तो हम ये हम पहुंच चुके हैं राजकोट बस स्पॉट, राजकोट CSRTC। तो गाइस, तो जो अपनी बस है वो आ चुकी है, लिखा हुआ यहाँ पे गांधीनगर पोरबंदर। तो गाइस, तो ये है कुछ CSRTC टिकट जो कि है राजकोट उपलेटा, और ये पोरबंदर डिपो की बस है। तो मैंने थोड़ा जी की नहीं, डायरेक्ट ले ली है मैंने उपलेटा की। सामने लिखा हुआ है चौकड़ी SP बस पिकअप स्टैंड। गाइस, तो फिर से अभी चलते हैं बस के अंदर और बैठते हैं अपनी जगह पे। तो गाइस, ये कुछ आप बस का साइड से देख लीजिए गाइस। तो ये कुछ अभी गेट देखो, गेट भी नया हो गया गाइस। और ये है कुछ नई लग्जरी कोच बस। गुड आफ्टरनून गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई GSRTC की सीरीज में। तो गाइस, तो फिलहाल अभी मैं हूँ राजकोट बस स्टैंड, और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं राजकोट टू धोराजी। तो हाँ जी गाइस, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं राजकोट टू धोराजी। तो क्या है पूरा रूट और क्या है टिकट प्राइस, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी फिलहाल मैं हूँ राजकोट बस स्टैंड। तो ये पीछे पूरा ही राजकोट बस स्टैंड देख सकते हो गाइस। तो गाइस, तो ये है कुछ राजकोट बस स्टैंड, और देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी जो बस आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ होता है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी बस है, कहाँ की बस है, तो देखते हैं। और ये कुछ गाइस देखते, तो अभी पूरा स्टेशन अभी फुल है, पूरा बस स्टेशन पूरा फुल है गाइस। तो देखते हैं कि अपनी जो बस है वो कहाँ की आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी बस आएगी, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ये खंभाड़िया द्वारका। तो धोराजी की बस कहाँ पे आएगी, देखते हैं और चलते हैं। तो गाइस, तो ये रहा अपना प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 2019 पे आती है अपनी जो बस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सामने पढ़ सकते हो धोराजी उपलेटा। तो देखते हैं आप तो अपनी बस आएगी, तो वेट करते हैं बस का। तो गाइस, तो अभी यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 19-20 पे आएगी अपनी गाड़ी, जो कि ले जाएगी हमको धोराजी। तो क्या है टिकट प्राइस, क्या है रूट, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वेट करते हैं अभी बस का। गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी गुजरात ST है उस पर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कब बस कितने बजे कहाँ पे आएगी और कहाँ पे पहुँची है, सब कुछ आपको जानना है। तो ST की एक एप्लीकेशन है GSRTC लाइव करके, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। तो उस पर आप चेक करके देख सकते हो कि अपनी जो बस है कहाँ तक पहुँची है, और कहाँ कब आएगी, कितने टाइम पे आएगी, सब कुछ आपको डिटेल सही उसमें माहिती मिल जाएगी। तो पूरी बस भी आप उसमें ट्रैक कर सकते हो, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। तो फिर मैं उस पर सही चेक करूँगा कि जो मेरी बस है वो कब राजकोट स्टेशन कब आएगी और कितना बजे आएगी। तो गाइस, तो जो अपनी बस है वो आ चुकी है, लिखा हुआ यहाँ पे गांधीनगर पोरबंदर। तो चलते हैं अंदर। तो ये कुछ रूट है गांधीनगर पोरबंदर, माया अहमदाबाद राजकोट धोराजी उपलेटा और कुतियाना। तो चलते हैं अंदर और अच्छी जगह ढूंढ के बैठते हैं। तो ये है कुछ है बस। तो गाइस, तो ये कुछ अपनी सीट हमको मिल गई है, विंडो सीट हम मिली है। तो ये है कुछ बस, CSRTC की ब्रांड न्यू बस है, जो कि यहाँ पे बस टाइमिंग और अंदर का टेम्परेचर दोनों बता रहा है। सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे कितना टाइम हुआ वो भी बता रहा है, और इसी में टेम्परेचर भी बताएगा। तो क्या है टिकट प्राइस दिखाता हूँ। तो यह है कुछ CSRTC की ब्रांड न्यू बस। तो गाइस, तो फाइनली मैं बस के अंदर बैठ चुका हूँ, और हर बार की तरह मैंने विंडो सीट ली है। तो ये कुछ बैठ चुके हो, तो अभी बजे है 2:30, और आई थिंक 2 घंटे की ये पूरी जर्नी रहेगी राजकोट टू धोराजी। तो क्या है टिकट प्राइस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, और
अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो बस के अंदर बैठ चुका हूँ। तो ये बस CSRTC की न्यू लॉन्चेड बस है, जिसमें तीन दो का कंबाइन सीट है, इसमें तीन है और सब दो मतलब ठंडा आइसक्रीम वाला आइसक्रीम ठंडा खबर कोई ठंडा आइसक्रीम। तो गाइस तो ये सामने आप देख रहे, तो जहाँ पे आपको जो टाइम दिख रहा है मतलब अभी 1:30 बजे है, तो वहाँ पे ही आपको बस के अंदर का टेम्परेचर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये CSRTC का कुछ नया आ गया मेरे का भी बस में, कि बस का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर आपको सामने स्क्रीन में आपको वहाँ पर दिखेगा। थोड़ा वेट करते हैं, दिखाता हूँ आपको, मेरे को अभी आएगा। देखो 39 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये कुछ नई सिस्टम है। और जैसे कि उन्हें हर बार की तरह, तो गाइस ये निकल रही है बस राजकोट बस स्टैंड से बाहर। तो इस गेट से हम बाहर जाएंगे, सामने वाले गेट से बस एंटर होती है और इस गेट से बाहर जाएंगे। तो ये अभी तो गाइस तो फाइनली हम निकल रहे हैं राजकोट बस स्टैंड से बाहर। ये बस डायरेक्ट गई जयपुर और कुंडल नहीं जाएगी, सीधी जाएगी धोराजी और उपलेरा। तो गाइस ये हम निकल चुके हैं राजकोट बस स्टैंड से बाहर। तो गाइस ये कुछ आप राजकोट का सीन भी देख सकते हो, अभी 1:30 बजे है, तो 2 घंटे की पूरी जर्नी है। तो आई थिंक हम पहुँच जाएंगे 4:30 बजे, तो आराम से हम पहुँच जाएंगे उपलेरा। तो ये है अपना कंडक्टर साहब। तो गाइस तो ये है कुछ CSRTC टिकट, जो कि है राजकोट उपलेटा और ये पोरबंदर डिपो की बस है। तो मैंने धोराजी की नहीं, डायरेक्ट ले ली है मैंने उपलेटा की, जो कि टिकट प्राइस है 129 रुपये, क्योंकि ये लग्जरी कोच बस है तो टिकट प्राइस है 129 रुपये। तो ये है कुछ टिकट। और फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं गोंडल चौकड़ी। तो गाइस तो ये हम पहुँच चुके हैं गोंडा चौकड़ी। तो ये कुछ सीन देख सकते हैं गोंडा चौकड़ी, यहाँ पे आपको प्राइवेट बसेस काफ़ी यहाँ पे मिल जाएगी। अहमदाबाद आना हो या फिर पोरबंदर जाना हो, सब कुछ आपको गाइस यहाँ से बस मिल जाएगी। गोंडा जाना हो, सब कुछ तूफान बस सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। तो यह है कुछ गोंडा चौकड़ी बस पिकअप स्टैंड। तो काफ़ी सारी खाली बस गाइस यहाँ पे प्राइवेट बसेस पड़ी है, तो इसको भी आप जा सकते हो गोंडल धोराजी और पोरबंदर। और काफ़ी सारी और भी यहाँ पे गाड़ी भी पड़ी है, इसको भी रेंट करके आप जा सकते हो। तो ये था कुछ गोंडल चौकड़ी। तो गाइस तो अभी मैं यहाँ पे आगे आ चुका हूँ, तो आगे से आपको सीन दिखाता हूँ। तो ये है कुछ गाइस देख सकते हो, ये है ड्राइवर कंपार्टमेंट। तो यहाँ से पूरी बस ऑपरेट होती है और ये है कुछ ड्राइवर साहब का कंपार्टमेंट। तो गाइस तो अभी से मैं अपनी जगह पे बैठ चुका हूँ। तो ये था कुछ ड्राइवर कंपार्टमेंट। तो अभी जो मेरा जो वीडियो है वो डायरेक्ट करूँगा धोराजी जाके स्टार्ट, क्योंकि बीच में तो अभी अलग अलग जो स्टेशन आएंगे उसका तो मैंने आपको काफ़ी बहुत मुझे दिखा दिया है। तो फिर अभी डायरेक्ट धोराजी जाके मेरा वीडियो ऑन करूँगा और उसके बाद देखा उपलेटा। और अभी बज चुके हैं 2:50 और आई थिंक 4:45 बजे तो आराम से पहुँच जाएंगे उपलेटा। तो
गाइस तो बस ने यहाँ पे गोंडल के आगे थोड़ा 5-10 मिनट का वोट लिया है, तो चलते हैं नीचे और तो गाइस तो यहाँ पे बस ने चाय पानी का वोट किया है 10 मिनट का, तो चलते हैं नीचे और थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। चलते हैं नीचे। तो गाइस तो ये कुछ है अपनी बस, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे गांधीनगर पोरबंदर हवाई अहमदाबाद राजकोट धुराजी उपरेटा एंड कुटकियाना। जो बस रुकी है होटल मालधारी। तो सभी की एसटी बस यहाँ पे रुकी है, देखो भुज ये खड़ी है, भुज वेरावर और ये कल्लोल राजकोट सोमनाथ और ये है अपनी बस गांधीनगर पोरबंदर। तो गाइस ये कुछ है होटल। गाइस तो फिर से अभी चलते हैं बस के अंदर और बैठते हैं अपनी जगह पे। तो गाइस ये कुछ आप बस का साइड से देख लीजिए गाइस। तो ये कुछ है अभी गेट, देखो गेट भी नया हो गया गाइस। और ये है कुछ नई लग्जरी कोच बस। तो ये है पीछे का व्यू, गुजरात एसटी गांधीनगर अहमदाबाद पोरबंदर। और ये जिस भी डेपो की बस होती है यहाँ पर लिखा होता है, तो लिखा हुआ ये पोरबंदर डेपो की बस लिखा हुआ है पोरबंदर। और ये कुछ पीछे से व्यू और कुछ ये साइड से व्यू। यहाँ पे साइड में पीछे भी देखो इमरजेंसी गेट दिया गया है। और ये है कुछ लगेज बॉक्स, तो यहाँ पे अपना लगेज भी रख सकते हो। और ये कुछ गाइस अभी चलते हैं फिर से अपने बस के अंदर और बैठते हैं जगह पे। और अभी भी गाइस यहाँ से अभी गोंडल से हम निकले हैं, तो आई थिंक अभी भी 1.5 घंटा लगेगा हमको उपरेटा पहुँचने में। तो बन चुके हैं अभी सामने, ये एसटी का टोल फ्री नंबर पे दिया गया है। और ये कुछ है एसआरटीसी की वेबसाइट। तो अभी चलते हैं बस के अंदर। तो गाइस तो निकल रहे हैं अभी हम बाहर। गाइस तो ये हम पहुंच चुके हैं धोराजी और पहुंच चुके हैं धोराजी। गाइस तो ये बस पहुंच चुकी है धोराजी बस स्टैंड। तो ये कुछ देख रही है धोराजी बस स्टैंड। तो ये कुछ है धोराजी का बस स्टैंड गाइस। तो गाइस तो ये पीछे रह गया धोराजी बस स्टैंड और बस स्टैंड से अभी हम बाहर निकलने वाले हैं। तो ये गाइस निकल चुके हैं हम धोराजी बस स्टैंड से बाहर। तो गाइस तो फाइनली हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे पे। अभी भी यहाँ से निकला है आधे घंटे की दूरी पर है, तो आधे घंटे के अंदर हम Thank you.
अंदर आ जाएगा उपले का बस स्टैंड। और अभी बजे शाम के 4:15 और 4:15 बजे हमारा उपले पहुँच चुके हैं उपले का। तो ये कुछ है उपले का नज़ारा। अभी एंट्री गेट भी आएगा। तो गाइस तो ये हम पहुंच चुके हैं उपलेटा बस स्टैंड। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप इंजॉय। थैंक यू।